नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और श्रृंगार शतक का 103 में से 102 नंबर का श्लोक है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। जीवन की वास्तविकता आपको बता रहे हैं। वैराग्ये संचरत्येको नीतो भूमति चापरः श्रृंगारे रमते कश्चित् भुवि भेदः परस्परम्। भैया, यही संसार की नीति है। कुछ लोग तो वैराग्य में रमण करते हैं, उनको आनंद वैराग्य में ही आता है। वो आपको ज्ञान भी वैराग्य का देंगे, वो आपसे जो भी बात करेंगे वो ऐसे करेंगे। दुनिया तो बिल्कुल बेकार है यार, हमें तो यहां कहीं किसी चीज में कोई सार्थकता, कोई सत्यता दिखाई नहीं देती है। फिर आप देख लीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी बता देंगे कि ये जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, और इस मिथ्या जगत में क्यों पड़े हुए हो। तो जो वैराग्य में डूबे होते हैं उनको वैराग्य में ही आनंद मिलता है। नीतो भूमति चापरा, और जो नीति की बातें करेंगे ना, वो आपको बड़ा बड़ा ज्ञान सिखाएंगे, हमारी तरह बड़ी बड़ी उपदेश की बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस जीवन की सार्थकता सिर्फ इसी में है। किसमें? नीतिमत्ता में। नीति से चलो, लोगों को नीति सिखाओ, लोग भी नीति से चलें। उनके जीवन का लक्ष्य ही नैतिकता होता है, और वो अपनी सारी जिंदगी नैतिकता में गुजार देंगे और सबको नैतिक बनाने की कोशिश करेंगे। भैया, कुछ ऐसे भी होते हैं श्रृंगारे रमते, जिनका श्रृंगार में ही मन लगता है। इस संसार में उनको ये बिल्कुल हृदय तक नहीं, गले तक विश्वास होता है कि श्रृंगार से श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं है। और श्रृंगार शब्द का अगर आपने सुना है ध्यान से, तो आपको भी इस चीज का एहसास मां कभी भर्तृहरि कराने में सक्षम हुए हैं। भाई, मुझे तो उन्होंने करवा दिया, लेकिन संभवतः मैं आपको अगर नहीं करवा पाया हूं तो ये मेरा दोष है, इसमें भर्तृहरि का कोई दोष नहीं है। कि जो लोग श्रृंगार में रमण करते हैं उन्हें फिर श्रृंगार में ही सब कुछ नजर आता है। यही बात, कुछ लोग पैसा कमाने में ऐसे खो जाएंगे कि उनसे जब भी आप बात करो, कोई भी चर्चा करो, कुछ भी करो, वो हर बात में पैसा 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 करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे मस्ती के मूड में होते हैं कि पैसा, बोले ये क्या होता है, उन्हें मस्ती की चढ़ी होती है। जब देखो तब मस्त मस्त पैसा, हाथ का मैल है, आ जाया, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, मस्त राम मस्ती में, आग लगो बस्ती, जो होना है वो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं। और जिसकी आंखों पे काम की पट्टी बंधी हो ना भैया, वो तो जहां देखता है वो आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखों के सामने, कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता, ऐसे उसको तो पूरा संसार ही स्त्री में दिखाई देता है। अभी इससे पहले श्लोक में तो कहा था कि सर्वत्र वो जहां नजर डालेगा, वो अगर दीवार पे किसी टाइल्स को देखेगा और टाइल्स में भी वो डिजाइन देखेगा या उस पर भी कोई फिगर देखेगा तो उसमें भी उसको स्त्री नजर आएगी, आप ये समझ लीजिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सर्वत्र श्रृंगार और श्रृंगार के ही दर्शन करते हैं। तो भैया, ये मनुष्यों में परस्पर ऐसा भेद देखा जाता है। आप ना तो इसमें पढ़िए कि वैराग्य वाले सच्चे हैं, ना इसमें पढ़िए कि नीति वाले सच्चे हैं, और ना इसमें पढ़िए कि श्रृंगार वाले सच्चे हैं। आपका मन किस दिशा में रमता है, आपको क्या अच्छा लगता है। यात्रा सीधी भी मोक्ष की हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूर्व जन्म के संस्कार शंकराचार्य की तरह होने चाहिए, और नहीं है तो क्रमशः धर्म अर्थ काम की सीढ़ियां चढ़िए, अंत में मोक्ष की प्राप्ति तो होगी। देखिए धर्म क्या है, थोड़ा सा समझें।
लोग वहां व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे, सत्यनारायण की कथा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर के काम करेंगे। किस लिए? कि उनके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ उनको मिलती रहे। अब इन कर्मों का उनको फल मिलता है, और ये सारी चीजें अगर उनको प्राप्त हो जाए ना, तो फिर क्या होगा, इसी धर्म से दूर हो जाते हैं। अब अर्थ मिल गया, फिर वो पैसे के पीछे पीछे दौड़ते हैं, फिर धर्म तो वो भूल जाते हैं। तो धर्म धन के लिए है, अर्थ के लिए है, यही स्थिति संसार में है। हम धर्म का सिर्फ दिखावा और ढकोसला करते हैं, किस लिए, क्योंकि हमें अर्थ की प्राप्ति करनी है। और जिसको अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, वो अपनी कामनाओं की सिद्धि में तो लगा होता है, नहीं तो अर्थ का फायदा ही क्या है। और जिसकी कामनाओं की सिद्धि की पराकाष्ठा आती है, फिर उसको लगता है कि अरे यार ये सब तो खाली का जंजाल है, तब वो मोक्ष की तरफ दौड़ने लग जाता है। तो ये चार पुरुषार्थ जो है, इनमें क्रम है, एक तारतम्य है, ये सारी चीजें इसी प्रकार से बनाई गई हैं। इस संसार की सृष्टि की संरचना ही ऐसी की गई है। अगर आपको इसके क्रम को तोड़ना है, तो आपके पूर्व जन्म के संस्कार ही इसमें आपका साथ दे सकते हैं। अगर आपने पूर्व जन्म में भरपूर काम सुख का आनंद लिया है, धर्म अर्थ का खूब पालन किया है, तो हो सकता है कि शंकराचार्य की तरह आप बाल ब्रह्मचारी बनके और परम योगी हो जाएं। नहीं तो भैया, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाएगा कि आपकी सारी तपस्या वपस्या धरी रह जाएगी। लेकिन फिर भी यहां महाकवि ये कहते हैं, भुवि भेदा परस्परम। इस संसार में हर तरीके के लोग मिल जाते हैं। कोई वैराग्य को श्रेष्ठ मानता है, कोई नीति को श्रेष्ठ मानता है, कोई श्रृंगार को श्रेष्ठ मानता है। उन्होंने वैराग्य शतक भी लिखा, उन्होंने नीति शतक भी लिखा, और उन्होंने शैराग्य श्रृंगार शतक भी लिखा। तो भैया, आपकी रुचि किसमें है, उसका आनंद लीजिए। मैंने नीति शतक प्रस्तुत कर दिया है, श्रृंगार शतक प्रस्तुत कर दिया है। अगर ईश्वर शक्ति देगा और आप लोगों का प्रतिभाव मिला, तो वैराग्य शतक को भी हम शुरू भी करेंगे और पूर्ण भी करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिमिला।